आग लग गई, आग लग गई भाई, गाइस आग लग गई। मीटर देखो आप बस। वैसे एक ही फ्रेम में तीन केटीएम्स कैसी लग रही हैं? 200, 390। गाइस अभी क्या हुआ, मैं जैसे ही लेके चला यहाँ से, मैंने कहा आप लोगों के साथ राइड रिव्यू शेयर करते हैं, भाई ये आरसी वाला बंदा मेरे को देख के चार्ज हो गया, क्योंकि इसमें से आवाज़ बहुत गंदी आ रही है ना इस टाइम पे, इस वजह से सोच रहा होगा कैसे बाइक चला रहा है। और देखना पीछे वाले को हेलमेट भी नहीं पहना रखा और बहुत हरामी बने में पीछे से बाइक चला रहा है। गलत है यार, ऐसे बाइक कोई चलाने का तरीका होता है क्या? आपको बाइक मिल गई, अच्छी बाइक है आपके पास, एक अच्छे गियर्स वेयर्स पहन लो, प्रॉपर हेलमेट शेलमेट पहन लो, फिर चला लो, कौन मना कर रहा है? देखो 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 उसका पीछे वाला बंदा कह रहा है कि देख वो आ रहा है, नहीं आ रहा पीछे भी, ये देखो कितनी गलत चला रहा है। छोड़ो भाई अपने को क्या इस बात से मतलब। तो हे गाइस वेलकम बैक टू प्रीज व्लॉग। आज हम लोग चला रहे हैं अपनी ड्यूक 200, जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर या फिर आप लोगों ने आज से पहले, मैंने कब वीडियो डाली होगी आई डोंट नो, मुझे खुद को ही मेरा होश नहीं रहता मैं कब वीडियो डालता हूँ, आपने उस वाली में देखा होगा कि भाई हम इसको ठीक करवा के घर लेके आए थे। तो आज इसका एक बढ़िया सा राइड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कड़ाके की गर्मी में चला रहे हैं ड्यूक 200 और इसका छोटा हैंडल होने का फ़ायदा देख रहे हो, यहीं से निकल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। चलो नित्तू और पबजी आगे चले गए दोनों, पक्का ये लोगों को भी पोक करेगा वो। चलो भाई अगर राइड की बात करें तो इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं सबसे पहले, 200 सीसी के इंजन के साथ कैसा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो भाई भागने में बाइक बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट है, सबसे बड़ी चीज़ ये सब बातें आप लोग जानते हो। अब काफ़ी लोग सोचते हैं आज की डेट में इस बाइक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप सोचते हो आज की डेट में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो भाई ले सकते हो। ओए बाइक चलाते हो, थोड़ी सी बात अगर कम करूँ ना तो बुरा मत मानना, समझ जाना बाइक चलाने में मैं मशगूल हो चुका हूँ, बाइक की फील में बह चुका हूँ। पीछे का टायर थोड़ा सा इसका भी अच्छा नहीं है तो अच्छे से लीन नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी चलाने में तो भाई मज़ा आ रहा है। वाह ये आरसी वाले को पकड़ लिया है हमने, जो हरामी पने में चला रहा था आगे। देख रहे हो भाई मैं नॉन एबीएस बाइक को भी उसी कॉन्फिडेंस से चलाता हूँ जिस कॉन्फिडेंस से मैं एबीएस वाली चलाता हूँ। देखो मैं इसे एक बार फ्लैप बाई दे दूँ, एक बार हल्का सा मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई इसे चूल हो जाएगी, नित्तू को भी देखते ही इसे चूल हो जाएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वैसे एक ही फ्रेम में तीन केटीएम्स कैसी लग रही हैं? 200, 390 और आगे वाली कौन सी है? 200। इसे नहीं पकड़ पाएगा चाहे जो हो जाए, साडा पेरा नित्तू है ये। अब ये लोग हंस पता क्यों रहे होंगे, क्योंकि इस वाली बाइक में से आ रही है बहुत गंदी साउंड, सोच रहे होंगे कैसे बाइक वाइक चला रहे हैं। अब भाई इसमें से अच्छी आवाज़ नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंडरबेली फटी हुई है हमारी और हम अंडरबेली ठीक करवाएंगे बहुत कम प्राइस के अंदर, मात्र 20-30 रुपये के अंदर। हरामी हो रहे हो, हरामी हो रहे हो। सीधे ही चलते हैं, चला यही है वो बंदे। चलो भाई भाई अगर परफॉर्मेंस में बात करूँ ना, 2013 की ये बाइक है और परफॉर्मेंस ऐसी है भाई एक नंबर, मतलब परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है, ड्यूक की बराबरी नहीं कर सकती भाई कोई भी बाइक, लिटरली कोई सी भी 200 सीसी ले आओ इसके बराबर नहीं भागेगी। जो फन, जो फील, जो थ्रिल ये बाइक दे रही है ना, वो चीज़ आपको किसी और बाइक पे नहीं मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई किसी और बाइक पे नहीं मिलेगा। आरसी की बात अलग है, आरसी से मत कंपेयर करने लग जाना। देखो अब देखना मीटर देखो आप बस। थोड़ा सा पीछे का टायर सही नहीं है जिस वजह से मैं इसको जिगजैग नहीं कर रहा सही। ओए होए देख रहे हो बिना टकिन हुए, बिना टकिन हुए भाई 110 112, मैंने बिल्कुल भी लीन नहीं हो रखा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, सारी हवा मेरे ऊपर लग रही है तब भी इतना बढ़िया भाग रही है। तो वाओ ड्यूक यू आर वाओ, ये बाइक तो ऐसी ऐसे तो मन करता है जब जब चलाऊँ खरीद लूँ, पर मेरे पे 390 इस वजह से 200 सीसी लेने का कोई सेंस नहीं बनता, बट एक बढ़िया सिटी राइडर बाइक है ये सिटी में चलाने के लिए।
सिटी में तो भाई डेली इस बाइक को लेकर निकल जाओ, आपको कभी भी मलाल नहीं होगा, ना पावर वावर को लेकर, ना किसी और चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ये बाइक परेशान नहीं करेगी सिटी के अंदर। इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी हैंडी बाइक है, बहुत ज़्यादा हैंडी जिसे कहते हैं। तो भाई राइड रिव्यू में आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मेक श्योर एक बार नीचे कमेंट डाउन करके बताना। उस है मूवी चल रही है, उन्हें देखा था केटीएम वालों को हरामी बना कर रहे थे। आग लग गई, आग लग गई भाई, गाइस आग लग गई। अंडर बैली पे कहीं से धुआं वो गिरा होगा, इंजन ऑयल। भाई साइड रोक के देखते हैं, आग लग गई इसका, वो थंबनेल ले दो एक बढ़िया सा। आग लग गई भाई, आग लग गई। अभी तो लेके घर जाएंगे। रास्ते में जाते जाते भाई फोन मिला उन्हें, आग लग गई इसमें। मगर यार क्या खींचा, पीछे से निकल रहा तेरी गद्दी में से। देखते हैं आगे, रुक के जो इसका एग्जॉस्ट है ना उस पर इंजन ऑयल गिर गया होगा, उसका आ रहा होगा ये धुआं। ये निकलेगा इतना। फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को। भाई इसमें से धुआं निकल रहा है, वो तो हम मजाक कर रहे थे, एक बार क्रॉस चेक करना हमारा काम है जरा, एक बार इधर साइड रुक के देखते हैं। अभी वो चल चल के लगेगा भाई, यार इसमें से धुआं निकल रहा था, एक बार देखें जरा। अब बंद हो गया यार, न्यूट्रल है बाइक, देखियो बाइक अंदर कर ले। क्यों साइड लगा लेते हैं ना, गलत कोई कह रहा है, नीतू हर वक्त नीतू को गलत ही ठहराते रहते हो तुम लोग, गलत थोड़ी कहते हैं व्यूअर्स की नीतू को तुम। हाँ है, अरे अंडर बेली फट रही है उस वजह से तो नहीं हो रहा, वो भी सही कह रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। पता नहीं भाई कहाँ से धुआं, तेल पड़ा है ना, हटियो नहीं तीस। हाँ चलो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, वो उसी वजह से धुआं निकल रहा है, कोई बात नहीं। पानी हमने लिया है, पी 37 की आ रही है एवरेज लिखी हुई। चलते हैं हम फिर से। अब अगर थोड़ा सा बाइक के बारे में बात करें, इतनी देर से भगा ही रहा था मैं, तो देखो सबसे पहली बात करते हैं इसकी सर्विस वगैरह हुई है, ओवरऑल चैन सेट वगैरह सारी चीज़ें नई डल गई हैं, तो चल कैसी रही है। तो भाई देखो चलने के मामले में तो बाइक देखो एक नंबर है। पावर पिकअप जो है ना वो मतलब आपको फील हो रहा है, अगर आप थ्रोटल करोगे, अगर आप भगाओगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ दम है इसके अंदर। मैं ये चीज़ न्यू वाली ड्यूक के ऊपर नहीं कह सकता, जो ड्यूक 200 आई है न्यू वाली BS6 वाली, आई डोंट नो वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बट अगर इसकी स्पेसिफाई बात करते हैं ना, ये तो भाई मज़ेदार हो रही है एकदम इस टाइम पे। इस टाइम पे भाई इस बाइक को चलाने में पता है कैसी फील आ रही है, कि अगर मैं किसी को भी चलवा दूँ ना, जिस बंदे को पावर पसंद है, जिस बंदे को ये चाहिए कि भाई मैं अगर थ्रॉटल दे रहा हूँ तो मेरी बाइक निकले, वो बंदा इसे अभी पता है क्या कहेगा, भाई मुझे इसका प्राइस बताओ कितने रुपये की बेच रहे हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसके ऊपर जैसे पैसे लग गए हैं, सारे ओरिजिनल KTM के पार्ट्स वगैरह डल गए हैं ना, तो बहुत सही चल रही है इस टाइम पे। और सबसे बढ़िया इस बाइक का USP पता है क्या है, इसका हैंडल एकदम छोटा सा हैंडल हैगा, और इतने छोटे हैंडल होने का फ़ायदा क्या है, कहीं से भी निकल जाती है, छोटी सी जगह से कहीं से भी दिख जा करके निकाल लो, प्रॉपर एक जो नेकेड जो आप कह सकते हो एक प्रॉपर सिटी बाइक होनी चाहिए ना, वो है ये। इस बाइक की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एल्ट्रोज वाले भैया एकदम से पैनिक ब्रेक लगा दिया तुमने, बाकी ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग भी अच्छी है, ये अपना नुनू जा रहा 390 के ऊपर आतंक मचाते हुए। अभी पता क्या कह रहा है, कह रहा है वाह यार KTM चलाने में मज़ा आ रहा है। मैं क्या KTM ले ले, नहीं KTM लूँगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, तो भाई की हमारी बातें समझ नहीं आती। और बाकी एक बार 390 के मिरर्स बताओ कैसे लग रहे हैं, देखो ट्रैफिक के अंदर देखने में। वैसे इस बाइक को चला के ना, जैसे मैंने लक्की की बाइक पहाड़ों पर खूब अच्छे से चलाई थी, लक्की वाली ड्यूक 200,
तो मुझे उसकी याद आ गई भाई साहब, पहाड़ों पे जो आतंक मचाया था मैंने इसकी बाइक से। ऐसे जैसे ख़राब रास्ते आ रहे हैं ना, तो केदारनाथ ज़्यादा टाइम कई जगह पे थोड़ा ऑफ रोड जैसा पैच आता है, और भाई साहब जो मैंने इसे ऐसे यूँ उछाल उछाल के चली थी, बहुत सही गियरिंग। मगर इस बाइक की बड़ी स्मूथ हो रही है भाई, वो तो ऐसी हो रही है एकदम क्लिक वाली साउंड जो आती है ना वो चीज़। ये कार वाला हरामी हो रहा, सोच रहा है बाइक की लेन में घुस जाऊँगा, मगर इसे ये नहीं पता बाइकर्स कितने हरामी होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं देंगे तुझे। चलो पाजी पैर टिकवा दोगे क्या भाई साहब, निकल रही है। एक लिटिल बर्नआउट मारा मैंने, एक और फिर से मारे नित्तू यू लकी प्रधान के ऊपर धूल उड़ाते हुए आए हम। इसका हॉर्न नहीं चल रहा, हॉर्न इसमें है या नहीं है पता नहीं, बाकी बाइक का फैन चल गया है। ओ गई गड्ढे में क्रेटा, भाई देखो अगर ओवरऑल बात करी जाए कोई बंदा आज की डेट में इस बाइक को या ऐसी कोई पुरानी वाली ड्यूक लेने का सोच रहा है भाई, मैं तो बोलूँगा गो फॉर इट, गो फॉर इट चीज़ है, अच्छी कंडीशन की बाइक देख लो। आपको रोड पे चलोगे ना, रोड पे बढ़िया बढ़िया से आप कह सकते हो, रोड प्रेजेंस भी अच्छी मिलेगी, लोग देखते हैं इस वाली बाइक को। और पता है क्या है, आज के टाइम में थोड़ी सी लेजेंडरी हो चुकी है, थोड़ी सी एपिक, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी हो गई है, मिलती नहीं आसानी से, तो लोग ढूंढते हैं और मुँह मांगी कीमत भी दे देते हैं इसकी। मतलब आप अगर इसको सेकंड हैंड में लेने जाओगे ना, अगर कोई अच्छी कंडीशन की वेल मेंटेन्ड होगी, आपको कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तक की या लाख रुपये की भी मिल सकती है। और अगर थोड़ी बेकार कंडीशन की होगी, थोड़ा आपको उसके ऊपर काम वाम कराना पड़ेगा, तो वो आपको 50,000 से 70,000 के बीच में भी मिल सकती है। बाकी अगर कोई ऐसा बंदा है जो सोचता है KTM लेनी चाहिए, ओन करनी चाहिए, जिसको फर्स्ट टाइम KTM के अंदर एंटर हो रहा है ना, वो डेफिनेटली ड्यूक 200 बाइक परचेज करो, फिर आप KTM के अंदर एंटर हो, तब आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ KTM और क्यों लोग इसे पसंद करते हैं। जो पावर परफॉर्मेंस जो थ्रिल इसके अंदर है ना, वो कोई और कंपनी नहीं देती। मीटर देखो कितनी तेज़ भाग रहा है, इतनी तेज 80 भाग गई, इतनी मतलब जल्दी पता भी नहीं चलता भाई मैं 100 चल रहा हूँ। मुझे जेन्युइनली फील तक नहीं होती ये चीज़ की मैं 100 भगा रहा हूँ, इतनी बढ़िया बाइक है। और स्टेबिलिटी की बात करी जाए, रोड नहीं छोड़ती भाई बिल्कुल भी, हैंडलिंग वाइज भी बढ़िया है, हैंडलिंग को लेकर कोई इशू नहीं है। वैसे इस वाली वीडियो के अंदर आई थिंक मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना बाइक भगा के ही दिखाई होगी, और थोड़ा बाइक चलाने में अगर मैं मशगूल हो गया हूँ या मशहूर हो गया हूँ तो आपसे कम बात करी हो तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी। बाइक की वीडियो कैसा लगा है तो मेक श्योर कमेंट डाउन बिलो, और जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत बढ़िया एक रोड ट्रिप आने वाला है, हो सकता है ये वाली बाइक भी चली जाए रोड ट्रिप पे, नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये रॉन्ग साइड जाएंगे भैया, यहाँ मैं लीन करता मगर इसका टायर थोड़ा सा धोखेबाज हो रहा है, बट अपने बस की जितनी थी इस टायर के साथ अपन ने कर लिया है। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर साइनिंग ऑफ प्रीत। भाऊजी कहाँ है, मुझे 390 दे दो, बहुत देर मैंने 200 चला लिया, मैं थोड़ा 390 तो चला लूँ मेरे भाई हो।